क्वारंटाइन सेंटर्स में अव्यवस्था का हवा खड़ा करने वाले विपक्ष के राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, राजद हो या आरएलएसपी या हम पार्टी, जिस तरह का गैर जिम्मेदार रवैया उन्होंने अख्तियार किया है लगातार झूठे अफवाहों के जरिए, वो क्वारंटाइन सेंटर्स में रहने वाले प्रवासियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। दरअसल ज़्यादातर अफवाहों की जांच के बाद अफवाह निराधार मिले और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक अगर फैसला किया कि क्वारंटाइन सेंटर्स में 21 दिनों की अवधि लोग पूरी करें, तो इसकी वजह बिल्कुल साफ थी कि वो कहीं ना कहीं कैरियर बन सकते थे अगर वो सीधे गांव जाते कोरोना संक्रमण के, और अब तक गांव अछूते हैं। संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए और उन्हें रेड जोन में डाल दिया गया है, और मुझे लगता है इस व्यवस्था में विपक्ष की दाल चुकी नहीं गल रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये श्रेष्ठ प्रबंधन है। वो खामियां निकालने के बजाय अगर सकारात्मक योगदान करते तो मुझे लगता है इस विभीषिका से राज्य को निपटने में ज़्यादा मदद मिलती और उनका योगदान रचनात्मक कहा जा सकता है।